चली काम से आ रही हो क्या? जानती हो क्या हुआ? वो भूषण भूमि का बेटा है ना, पेड़ से गिर गया। समझी, सब अस्पताल लेके गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। देखो काम की नक्काश की, दुश्मन अनाज की। चलो अब मुझसे नहीं होगा। अच्छा तो तू नहीं करेगी तो क्या तेरे बापा करेगा? माँ बापू के बारे में कुछ कहा तो क्या कर लेगी तू? अभी बता दे। अब देखती हूँ। रामजारी रामजारी निकल बाहर, निकल नहीं निकल चल निकल रामजारी नहीं माँ जी, क्यों हमेशा इसे मारती पीटती रहती हो? एक तो बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करती है, ऊपर से घर का सारा काम करती है, और आप हो कि हमें हमेशा इसे सताती हो। ए, तू कौन होता है? तू कौन होता है हम दोनों के बीच बोलने वाला? क्या क्या उसका मर्द लगता है? पकड़ हाथ ले जा, पीछा छूटेगा कल मुही से। जो जी मैं कीजिए, हम तो आपके भरे के लिए कहते हैं। ए अरे चलो भाई, हमें क्या लेना था? चलिए भाग गया था। माँ मुझे अपना नहीं करना, हमेशा जाने देती रहती, बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। जीने का मन नहीं लगता, जियो भी तो किसके लिए, मर जाऊंगी शायद मेरे मामू से ना कुछ चेहरा मेरे भी जीना हो गया अंकली। मैं जियो मेरे साथ ही घूमने बोलो, मेरे साथ ही घूमा जियो। बोलो मुझे डर लगता है अपनी किस्मत से। मैं बोलो तुम्हारे साथ आशीर्वाद। दोबारा इस चौखट में पैर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी
बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। काम के लिए अब हमारी पत्नी है, हम तो जाने के लिए आए थे। ए, तू चुप कर जा, तेरी शक्ल से भी मुझे नफरत है, समझे? चलिए। हाँ। अरे सुनती जा करम जली, जब से तूने मुझे रुलाया है सताया है तुझे कीड़े पड़ेंगे कीड़े। सुनती जा, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। अब मैं ऑफिस जाता हूँ। कब तक आएंगे? शाम में जल्दी ही चला। मैं भी काम पे जाऊँ? अरे नहीं, अब तुझे काम पे जाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना कमाने वाला, अब तो तुझे अच्छी पत्नी बनके भी जाना है। क्यों? अच्छा चलते हैं। जाना मना है। पर क्यों भाई? अरे पहले मिठाई तो खिला। ओहो ये बात है। हाँ। लो खाओ। हाँ। तुम भी खाओ दोस्त। हाँ। और चाचू तुम भी मुझे आशीर्वाद दो। खाओ खाओ। हाँ। तुम भी खाओ। अरे खा लो भैया। आओ महेंद्र, कैसे हो? ठीक हूँ साहब जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुमने अपना घर बसा लिया। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, कोई जरूरत हो तो निसंकोच कहना। ठीक है सर। नमस्ते जी। नमस्ते भवन, मैं पड़ोस में रहती हूँ, मेरा नाम जानकी है, आपसे मिलने चली आई। अंदर आने को नहीं कहोगी? अरे हाँ आइए आइए आइए। मेरे पति काम करते थे कानपुर में, बदली हो हम कल ही आए, मन नहीं लगा तो मिलने आ गई। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे इसी क्या बन होती है, घर बनाया तुमने? नहीं, मेरे पति बाजार से लाए थे। अरे दाग कैसी है? पता नहीं, कई दिनों से है। डॉक्टर को दिखा तुमने? नहीं। डॉक्टर को दिखा लेना तो पूरे बदन में दाग फैल जाएंगे। जी दिखा दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ मैं मिले तो घर पे आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। फिर ये उदासी क्यों? पड़ोस की जानकी आई थी, उसने मेरे शरीर के दाग देखे, कहने लगी कि इलाज नहीं करवाया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। दिखाओ तो कहाँ है दाग? सुबह हम तुम्हें डॉक्टर से दिखा देंगे। यहाँ चुभ रहा है? हूँ। यहाँ? यहाँ चुभ रहा है? यहाँ? लगे हाथ लगे? यहाँ झुंझुन हो रहा है? और कहाँ कहाँ है?
और भी नहीं है? हाँ भाई, ये कुष्ठ रोग का डॉक्टर है, इसका सिर्फ इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो ये रोग बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रोग ठीक नहीं हो सकता? पहले तो ये रोग लाइलाज था, सुना है अब इस रोग का इलाज हो रहा है। आप शहर जाकर कुष्ठ रोग अस्पताल से संपर्क करें। इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है? नहीं, इसके लिए अलग अस्पताल है, आप वहीं जाएं। चलो। ये पेपर आज डिस्पैच करते हैं। ठीक है सर। साहब जी, मुझे एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए और कुछ रुपए। किस लिए? वो मेरी पत्नी को इलाज के वास्ते बड़े शहर ले जाना है, उसे कुष्ठ रोग हो गया है। ओह सॉरी, तुम एक एप्लीकेशन दे दो। ठीक है साहब जी, धन्यवाद। कैसी हो रामकली? आइए। शक्कर मांगने आई थी, शाम में लौटा दूंगी। तुम बैठो, मैं भी देती हूँ। डॉक्टर को दिखाया तूने? हाँ दिखाया था। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कुष्ठ रोग हुआ है, शहर जाना पड़ेगा। क्या कुष्ठ रोग? अरे ये आपको क्या हो गया? मुझे क्या होगा, लेकिन तुझे लगी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। तुम्हारे साथ रहने और सोने से तुम्हारे पति को तो होगा ही, औलाद जो होगी उसे भी ये बीमारी लगेगी। गांव में कोई तुम्हें रहने नहीं देगा, तुम्हारे साथ साथ सबका जीवन बर्बाद होगा। जाती हूँ, नमस्ते। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, कोई इलाज नहीं। गांव में कोई तुम्हें रहने नहीं देगा, तुम्हारे साथ साथ सब जीवन बर्बाद होगा। तुम्हारे साथ साथ सबका जीवन बर्बाद होगा। ऐ बहन, क्या बात है, तुम अब तक गई नहीं? मैं बहुत दुखियारी औरत हूँ, मेरा सब कुछ उजड़ गया है, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मैं अपने पति को छोड़कर गांव से शहर आ गई हूँ। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे रोग से मुक्ति भी मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा पति भी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुलाम, चिड़ी का गुलाम तो ठीक है प्यारे, वो देख बेगम जा रही है। चलो 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 चलो, हाँ ये जा रही है। Hey!
देखो बाबू, मैं बहुत लाचार और अभागन औरत हूँ। मुझे मुझे कोर हो गया। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अरे औरत तो क्या हुआ, हम भी तो हैं, जरा हमारा भी क्या करो। कुछ रोग है तो क्या हुआ, वो तो औरत ही ना। ये पकड़ो, किधर गए वो? अरे अरे इधर छुप गई वो, देखो उसे। क्या मेरे प्यार की डोर इतनी कमजोर थी कि तुम खुद सामाजिक डर से खुद को मलतार में छोड़ दी? तुम्हें कुष्ठ रोग है? हाँ डॉक्टर, ये वही कुष्ठ रोग है जिसने हमारी हस्ती खेलती दुनिया वीरान कर दी। मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। ओ समझा, तुम इसी रोग से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये रोग अब रोग नहीं। तुम्हारी तरह अनेक लोग हैं जो बिना सोचे समझे जानकारी के अभाव में गलत निर्णय ले लेते हैं। तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। क्या मैं ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर? तुम अच्छी हो जाओगी।
नाम तो दे दूंगा लेकिन इस शहर में तुम्हारे कोई परिचित है? नहीं साहब, इस शहर में मैं बिल्कुल नया हूं साहब। तब तो यहाँ काम नहीं मिलेगा। पति आया है कि नहीं? नहीं माँ जी, वो गांव में है। मिलने को आया है कि नहीं? शायद ईश्वर को हमारा मिलन मंजूर नहीं। जी नमस्ते। क्या हाल है हमारे पेशेंट का? जी ठीक हूँ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी स्किन स्मेयर की रिपोर्ट आ चुकी है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बधाई। डॉक्टर साहब आपसे एक प्रार्थना करनी थी। यहाँ दिन भर बैठी बैठी उग जाती हूँ, सोचती हूँ कि यही रोगियों की सेवा करूँ। अगर आप इजाजत दे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारी तरह सभी सोचने लगे तो समाज में कुछ रोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। ठीक है दिनेश, तुम्हें काम समझा देगा। अच्छा मैं चलता हूँ। सर आज रामकली को छुट्टी दे रहे हैं आप? हाँ, अब वो ठीक हो चुकी है, घर जाना चाहती है, मैंने इजाजत दे दी है। सर बाजार से मैं कपड़े लाया हूँ। दिनेश को दे दो। नमस्ते सर। और रामकली, मैंने तुम्हारे जाने की पूरी व्यवस्था कर दी है, दिनेश तुम्हें स्टेशन छोड़ आएगा। सर एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोलो। मैं गांव जाकर आपके मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने पति के साथ मिलकर कुष्ठ रोगियों की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे आपसे जो शिक्षा मिली उसे समाज में बांटना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो बता देना, तुम्हारी सोच काफी सराहनीय है। अभी तो भारत सरकार का कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में चल रहा है। मैं जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार द्वारा तुम्हारे यहाँ कुष्ठ रोग अस्पताल खुलवा देता हूँ, पूरी पूरी मदद करूंगा। ये कुछ कपड़े हैं और ये रुपए तुम्हारे काम आएंगे। जाओ दिनेश, रामकली को छोड़ाओ। कैसे नहीं देगा? ये पैसा तुझे भाड़ा नहीं दूंगा। वो कैसे नहीं देगा? दिनेश, ए जाने वाले छोड़ो, क्या कर रहे हो? रामकली, Yeah.
करता है एक मिशन जो समाज के तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों को सम्मानजनक जीवन रोजगार एवं उनके पुनर्वास की समस्या का समाधान सरकार की मदद से करता है। आवश्यकता सामाजिक सोच बदलकर न केवल सहानुभूति बल्कि उन्हें समाज में समान अवसर देने की है ताकि ये कुष्ठ रोगी भी सम्मानजनक जीवन जी सके। Thank you.